झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर से छेड़छाड़ कर पिस्टल के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया तेजी से धनबाद में वायरल हो रहा है, जिस पर धनबाद जेएमएम कार्यकर्ताओं ने साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जेएमएम नेता मंथु चौहान ने बताया कि झारखंड चौपाल के नाम से चलाए जा रहे सोशल मीडिया साइट पर आदिवासी नेता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर को पिस्टल लगाकर वायरल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सरकार और जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द वैसे आरोपी पर कार्रवाई हो। साथ ही जेएमएम नेताओं ने बताया कि कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अभी आप लोग जान रहे हैं लोकसभा चुनाव का समय है और पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इस आचार संहिता के दौरान एक फेसबुक पर एक फोटो वायरल किया गया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, जिनके हाथों में पिस्टल लगाकर यह फोटो वायरल किया गया है। जो फेसबुक का आईडी है वो झारखंड चौपाल के नाम से चलाया जा रहा है और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में एक आदिवासी नेता को बदनाम करने की ये जो साजिश है, मैं सरकार से मांग करता हूं और यहां के प्रशासन से मांग करता हूं, ये जो फेसबुक पे जो आईडी चल रही है इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये सिर्फ आदिवासी को ही बदनाम करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, ये लोकतंत्र को भी खत्म कर दिया जा रहा है। आचार संहिता में जान रहे हैं कि जिस तरह से सरकार का गाइडलाइन है कि टिप्पणी करना एक अलग चीज है, लेकिन किसी के हाथ में बंदूक थमाकर फोटो वायरल करना, ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि क्या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आतंकवादी हैं, गुंडे तत्व के लोग हैं? ये झारखंड चौपाल एक फेसबुक आईडी है, अब ये प्रशासन का काम है कि उसको जांच करना कि ये आईडी का संचालन कौन कर रहा है। हमारे महानगर समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद के लगभग सभी नेता लोग सभी थानों में केस कर रहे हैं, सिंदरी, झरिया, धनबाद, धनसार, सरायडेला, साइबर थाना, आपका भुली थाना और सुदामडी थाना, पाथरडी थाना, इन सभी थानों में केस किया जा रहा है और प्रशासन से हमारी मांग होगी कि इस पे जांच किया जाए और कार्रवाई पे जो भी इस पे लोग शामिल हैं उस पे कानूनी कार्रवाई की। देखिए अभी बोलना मुश्किल है क्योंकि ये जांच का विषय है कि ये आईडी कौन चला रहा है। ये फोटो मेरे पास आज आया है सुबह, आज 1 अप्रैल 2024 को यह सुबह सुबह 8:30 बजे मेरे फेसबुक पे आया था, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये साइबर में हम लोग जा रहे हैं केस करने के लिए। साइबर का काम रहेगा कि इसको जांच किया जाए और जांच करने के बाद ये जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है।